दिल्ली वालों के लिए मेट्रो की पिंक लाइन का एक और नया सेक्शन आज से लोगों के लिए खुल गया है। लाजपत नगर और मयूर विहार पॉकेट वन के बीच की सेक्शन का उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया। सेक्शन के खुलने से पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के बीच लोगों का आना जाना बेहद आसान हो गया है। नए साल के मौके पर मेट्रो ने दिल्ली वालों को एक नए साल का तोहफा दिया। मेट्रो की पिंक लाइन का नव निर्मित मयूर विहार पॉकेट वन और लाजपत नगर रूट सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरी झंडी दिखाकर सोमवार को इस सेक्शन की शुरुआत की। इनॉग्रेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन विच विल टेक प्लेस इन अ फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ। We are almost completing the phase three of the Delhi Metro's operation. As I mentioned, as was mentioned earlier, this has set a record of sorts. 96 kilometers of rail lines have been operationalized this year. Now both the ring road and the outer ring road are connected by metro, which is also expected to have a major positive and beneficial impact insofar as traffic decongestion is concerned. मेट्रो के इस नए सेक्शन की कुल लंबाई 9.5 किलोमीटर है और इस सेक्शन पर 5 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें विनोबापुरी, आश्रम, निजामुद्दीन, लाजपत नगर और मयूर विहार पॉकेट वन शामिल है। इस रूट पर मेट्रो के परिचालन होने से न सिर्फ आनंद विहार के बाद हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में परिवहन का दूसरा बड़ा केंद्र बन गया है, जबकि लोगों को पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल गई है। इतना ही नहीं, इस सेक्शन के चालू होने से दिल्ली से नोएडा आना जाना अब और आसान भी हो गया है, क्योंकि इस सेक्शन के मयूर विहार पॉकेट वन मेट्रो स्टेशन से लोगों को इंटरचेंज की सुविधा मिल सकती है। इस सेक्शन के उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर मेट्रो के किराए को ज्यादा बताया और किराया कम करने की वकालत की। हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा, दिल्ली एक आम दिल्ली वाले के हिसाब से ज्यादा है, उसको किस तरह से कम किया जाए, जैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल हमारे इंजीनियरिंग ने करके दिखाया है, वैसे ही हमें इकोनॉमिक इंजीनियरिंग भी दिखानी पड़ेगी कि हम इसके किराए कैसे कम ला सकें। और कोई शास्त्री भवन पे खड़े होके या कोई करोलबाग या पहाड़गंज में चांदनी चौक में खड़े होके उस वक्त कोई सोचता कि यहाँ से कोई मेट्रो निकाल सकता है, लेकिन ब्रेन्स ने काम किया, एक्सेप्टेंस के साथ किया, फुल कमिटमेंट के साथ काम किया और आज पॉसिबल है, हो चुका है पॉसिबल। तो वैसे ही आज हम जब खड़े होकर देखते हैं कि क्या मेट्रो के किराए कम किए जा सकते हैं, प्रेमा फैसी लगेगा, भाई इतना सब पैसा लग रहा है तो पैसा तो आएगा कहीं से तो आएगा, बट जब बहुत कमिटमेंट के साथ, इस एक्सेप्टेंस के साथ हम काम करना शुरू करेंगे कि साहब कम तो करना है, अब कैसे करना है वो तरीके निकालते हैं, तो मुझे लगता है कम किए जा सकते हैं। मेट्रो का ये कॉरिडोर 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन मेट्रो रूट का हिस्सा है, जो शिव विहार को मजलिस पार्क से जोड़ता है। ये साल खुलने वाली तीसरी और अंतिम मेट्रो लाइन, बाकी दो पर पहले परिचालन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि मेट्रो की पिंक लाइन का नया सेक्शन लोगों को आश्रम पर लगने वाले भारी भरकम जाम से बड़ी राहत देगा। कुलदीप शर्मा, टोटल।